पूर्वांचल का प्रसिद्ध दशहरा मेला रामलीला कमेटी बरिया घाट में अध्यक्ष गौरव उमर की अध्यक्षता में मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत किया। इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री आशीष कुमार पटेल थे, तो वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में मिर्जापुर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के ही रूप में पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरीवानी मंच पर मौजूद थे। पूरा मेला आकर्षक रंग बिखरे लाइट से सजाया गया था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। पूर्वांचल के ऐतिहासिक मेले में अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मेले में 10 से 15 लाख लोग परिवार सहित मेले देखने के लिए आए थे और भगवान का दर्शन भी किया। मेले में दर्जन भर से ज्यादा झांकियों को सजाया गया था। उत्तराखंड देवधाम केदारनाथ की झांकी तो सजाई ही गई थी, जिसे श्रद्धालुओं ने खूब ज्यादा पसंद किया, तो वहीं नवदुर्गा शक्तिपीठ की झांकी भी सजाई गई थी। स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जनपद में भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जनपद का जिस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है, उसकी जानकारी आप सबको देने का दायित्व तो भी मेरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बदल रहा है और यही नहीं बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानों 1200 करोड़ रुपए से जनपद में पूर्वांचल का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, जिसमें से लगभग रोज 2000 ट्रक तेल भराने आएंगे और 5 से 6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी भी व्यवस्था और उसका भी शिलान्यास इस जनपद में अगले 2-3 में। अगर कोई कारीगर घर बनवाने का काम किया तो माननीय